गाइस फाइनली हम दिल्ली पहुंच गए हैं। तो गाइस देखिए मेहंदी लग चुकी है, पीछे दिखाइए भाई। सो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? तो अभी समय हो चुका है 10:30 बज चुके हैं और अब हम आ चुके हैं बनारस में। बनारस में बनारस स्टेशन पे आ चुके हैं। पहले इसका नाम मड़ुआ डी स्टेशन था, अब हालांकि चेंज हो गया है जब से मोदी जी आए हैं, तो इसका नाम बनारस स्टेशन पड़ गया है। स्टेशन था पहले मड़ुआ डी, ऐसा नहीं था, ये पूरा चेंज हो चुका है। और जैसे लगता नहीं है कि ये पहले का बनारस स्टेशन है। आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे ये जो स्टेशन है, पहले मड़ुआ डी स्टेशन था। इसमें जितने भी सारे चेंजेस हुए हैं मोदी जी के आने के बाद हुए हैं, तो ये स्टेशन आपको अंदर से भी बढ़िया है, बाहर से भी बढ़िया है, पूरी तरह से एकदम चेंज हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि हमको जाना है दिल्ली, और हम बनारस स्टेशन पे हमारी ट्रेन है 11:10 पे, और हम यहाँ से निकलेंगे दिल्ली के लिए और कल पहुँच जाएंगे 11:30-12 बजे तक दिल्ली। और फिर उसके बाद वहाँ भाई है, बहन है, बहन तो नहीं है, भाई है, मैडम है, उन लोगों से मिलना है। तो एक्चुअली 13 तारीख को करवा चौथ है, तो हम करवा चौथ पे जा रहे हैं अपने मैडम के यहाँ। हालांकि वो पढ़ाई कर रहे हैं तो वो नहीं आई, तो हम जा रहे हैं और उसके बाद चलेंगे वहाँ पे उनका करवा चौथ का जो व्रत है, पानी पिला के उसको भाई ओवर किया जाएगा। तो आइए चलते हैं, अभी तो स्टेशन के बाहर हैं। ये मामा जी हैं, हमको छोड़ने आए हैं, और भाई दोनों हैं। ये जहाँ भी आता है फ़ोटो खिंचवाता है, हाँ फ़ोटो शौकीन है, हमेशा फ़ोटो 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 फ़ोटो, पता नहीं कितनी फ़ोटो खिंचवाता है। दिल्ली गया था तो 1000 फ़ोटो खिंचवा गया था। हाँ अभी स्टेशन पे है, कम से कम 100 फ़ोटो खींच के जाएगा यहाँ से। तो आप लोग देख सकते हैं हम स्टेशन पे आ गए हैं, यहाँ से हम निकलेंगे कुछ देर में, अभी तो 10:30 बज रहा है, अभी अंदर नहीं जाएंगे, कुछ देर बाद अंदर जाएंगे। बारह 581 गाड़ी नंबर हमारी है और इसी से हम चलेंगे दिल्ली, जो कि आप समय देख सकते हैं 23:10 पे है, यानी कि 11:10 पे। तो दोस्तों ये स्टेशन बहुत ही साफ सुथरा है और यहाँ पर पार्किंग की भी जगह है, आप देख सकते हैं पीछे हमारे जो यहाँ पे तो नो पार्किंग जोन है, और देखिए कोई गाड़ी नहीं खड़ी है यहाँ पे, कोई पार्किंग वगैरह नहीं है, यहाँ कोई गाड़ी नहीं खड़ी है। वो स्टेशन के पास आ रही हैं गाड़ियाँ, ड्रॉप करके चली जा रही हैं, और वो जो फव्वारा चल रहा है, फव्वारे के पीछे पार्किंग है जहाँ हम लोग अपनी गाड़ी खड़ी करके आए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कहीं गंदगी नहीं दिखाई देगी, पूरा एकदम फुल साफ, मतलब पूरा एकदम क्लीन है। हाँ कभी कभी लोग गलती से थूक के चले जाते हैं पान खा के। तो गाइस देख सकते हैं 22:42 हो चुका है, मतलब 10:42 हो चुका है, तो समय हो चुका है, गाड़ी भी लग चुकी है। यहाँ से शायद दिख रहा हो आप लोग को, देख रहे हैं जो गाड़ी लगी हुई प्लेटफॉर्म पे, गाड़ी लग चुकी है हमारी। तो आइए चलते हैं अंदर। तो अब लोग चल रहे हैं स्टेशन के अंदर, गाड़ी लग चुकी है, बैग रखते हैं, अपनी सीट देखते हैं कहाँ पे है, तो आइए चलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सामने स्कैनर लगा हुआ है, यहाँ पे बैग स्कैन होगा हमारा, तो बैग को रखते हैं। आइए भाई, ये वो कहाँ जा रहे हैं? मामा जी अलग से आएंगे उधर से, वो सीढ़ी से नहीं लेके आएंगे और रैंप से लेके आएंगे। ये हमारे मामा जी हैं जो थोड़े कमजोर हो गए हैं चढ़ाने में, रैंप का प्रयोग कर रहे हैं, चढ़ते चढ़ते कमजोर हो गए हैं, थोड़ा उनको देखा जाए वो बहुत कमजोर हो गए हैं। तो यहाँ हमारा बैग स्कैन होगा, बैग को रखते हैं, रखते हैं। बैग को रख दिए हैं, अब हमको यहाँ पे मिलेगा, हमारा बैग स्कैन होके आ रहा है।
आ गया है, कोई फॉल्ट नहीं है। अब देख सकते हैं बनारस स्टेशन, ये एक ज़बरदस्त कला है, हम सोचे आप लोग को दिखा दें। इधर वेटिंग एरिया है, उधर टिकट्स मिलते हैं, और ये हमारी गाड़ी लग चुकी है प्लेटफॉर्म पे, तो अपना हम कोच ढूंढते हैं। B7 6 इधर है 7 उधर। तो ये B5 B6 B7 आगे, तो आइए चलते हैं अपनी कोच में। तो हम प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, B7 कोच नंबर हमारा है, और अब हम चलेंगे सीट पे 64 यही है। तो चलिए अब हम ट्रेन में चलते हैं, आ जाइए, बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। हाँ भाई, तो मजाक मत कर यार, कहा तैयारी कर रहे, लाइट जलावा लाइट जलावा। देखा आप घर समझ ले, जहाँ मत है सीढ़ी के नीचे वो लाइट दे दी। मुलायम क्या चल गया, सबसे हमारा दिमाग बहुत उलझन गया, बहुत बढ़िया काम के उनके जीवन भर दुनिया याद करी। दिमाग बहुत उलझन में, दिमाग बहुत उलझन में, बोला मत क्यों जने, उलझन में तो है, भगवान के घर मंजूर भगवान के तो दोस्तों हमारी ट्रेन जो है कि लेट हो गई है आधे घंटे, तो यहाँ एक स्टेशन पर रुकी थी, और यहाँ पे हम बाहर निकले तो देखिए पूरे चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है भाई कि ठंडी का मौसम स्टार्ट हो गया है अब। ये नदी, नदी के बगल में था जंगल, देख सकते हैं कितना बेहतरीन कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे। तो गाइस फाइनली हम नई दिल्ली पहुंच चुके हैं, नई दिल्ली का स्टेशन आप देख सकते हैं, 5 पे लगेगी 16। वेलकम टू न्यू दिल्ली, चलिए सामान ले आते हैं, इकट्ठा करते हैं, बैग ले लिए हैं, चल रहे हैं 16 नंबर गेट की तरफ, उधर से चलेंगे हम मेट्रो से। तो सामने दिखाई दे रहा है एग्जिट पॉइंट, आप देख सकते हैं एग्जिट पॉइंट, और उससे एग्जिट पॉइंट से हम निकलेंगे बाहर, फिर मेट्रो पकड़ेंगे, फिर चलेंगे GTB नगर। तो गाइस फाइनली हम दिल्ली पहुंच गए हैं, स्टेशन के बाहर हैं, और ये छोटे भाई साहब लेने आए हैं, यहीं दिल्ली में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो चलिए अब चलते हैं दिल्ली से मेट्रो चलना है, मेट्रो चलेंगे। दिल्ली मेट्रो सामने आ गई थी, समय पूर्व बादली वाली मेट्रो पकड़े हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं कमला नगर मार्केट में, भैया जी हैं अपना शॉपिंग कर लिए, झोला भूल जा रहे थे वहीं, याद दिलाना पड़ा।
तो चलिए अभी वेबसाइट खोज रहे हैं, आगे है यहाँ से, भैया को मालूम है तो ले चलेंगे भाई, हम तो चल रहे हैं। दिवाली की शॉपिंग कर सकते हैं आप लोग, देखिए दोस्तों हम लोग देख सकते हैं दिवाली की शॉपिंग चल रही है। ये देखिए कलर, ये करवा चौथ का है भाई, छन्नी भी है, लोटा भी है, थाली भी है, जिसको जैसा गिफ्ट मिलेगा उसी में देखेंगे, बड़ा गिफ्ट तो छन्नी में, छोटा गिफ्ट तो सुई वाले में। ये करवा चौथ की है कि दिवाली की? दिवाली, सब दिवाली। नान खटाई, तो अब इस मॉल में चलेंगे, जो चाहिए वो यही मिलेगा अंदर। तो वेलकम इन टू, तो सिक्योरिटी चेक हो चुका है, मॉल के अंदर आ चुके हैं हम लोग, आप देख सकते हैं मॉल की चकाचूं। काफ़ी देर से हम लोग चल रहे थे तो भूख लग गई है, तो हमने सोचा कुछ खा लिया जाए, तो बर्गर भी आए हैं, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज। तो कल करवा चौथ है तो मेहंदी को बहुत शुभ माना जाता है लेडीज़ के लिए, तो मेहंदी लग रही है। तो गाइस मेहंदी कंप्लीट होने वाली है ऑलमोस्ट, हालांकि अभी फिंगर से ऊपर जो लगना है वो बाकी है, बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। ये भी आए हैं अभी, अभी इनको समय लगेगा। तो गाइस देखिए मेहंदी लग चुकी है, पीछे दिखाइए भाई, ये देखिए मेरे नाम की लगी है, आप लोग देख सकते हैं इधर मेरा नाम लिखा गया है, यहाँ पे भी है, ये अधूरा नाम था तो इसको पूरा किया गया। इधर पीछे दिखाइए भाई, ये पीछे का है उस हाथ में, तो आप लोग देख सकते हैं दोनों हाथ की मेहंदी लग चुकी है, कल करवा चौथ है उसकी तैयारी आज हो रही है भाई। तो सारा काम निपटाने के बाद भाई डिनर का टाइम हो गया है, तो डिनर में आज बना है मटन, और मटन हम खाएंगे, और जैसा कि इसको विक्रम भैया और अंकुर भैया मिलकर बनाए हैं। तो समय न बिताते हुए डिनर करते हैं, और वीडियो आपको कैसी लगी हो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।